हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम सलोनी अग्रवाल एंड वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 1 ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स द कोल्ड वॉर एरा एंड वी हैव कंप्लीटेड द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, व्हाट इज द कोल्ड वॉर एंड द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स. नाउ वी आर ऑन अवर न्यू टॉपिक, दैट इज एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर. नाउ व्हाट डज द टर्म एरिना मीन? ओके, सो इसकी डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है यहाँ पे. Areas where the crisis and war occurred or threatened to occur between the alliance system but did not cross a certain limits. मतलब जब भी हम लोग बात कर रहे हैं एरिनास की, तो हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? एरिनास मतलब कि वो एरिया जहाँ पे या तो क्राइसिस हो गया, वॉर हो गया, या फिर ऐसा लगा कि हो सकता है अलायंस सिस्टम के दौरान, लेकिन वहाँ पे कुछ सर्टेन लिमिट्स को क्रॉस नहीं किया गया. मतलब कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, ठीक है, शूटिंग वॉर्स भी हुए लेकिन वर्ल्ड वॉर कभी नहीं हुआ. तो एरिना का मतलब क्या है यहाँ पे, ये डेफिनेशन आप लोग याद रखना. एरियाज वेयर द क्राइसिस एंड द वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम बट डिड नॉट क्रॉस अ सर्टेन लिमिट, इनको क्या कहते हैं? एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर. ओके, उनसे एरिनास की बात करेंगे. तो हम लोगों ने जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पढ़ी थी, चैप्टर स्टार्ट क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से हुआ हमारा. तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी? जितने भी कोल्ड वॉर के दौरान जो एरिनास थे, जो बहुत सारी क्राइसिस हुई थी, उन्हीं में से एक थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ओके, कोल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ? बहुत सारे शूटिंग वॉर हुए, लेकिन ये जानना इंपॉर्टेंट है कि क्राइसिस हुए लेकिन वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, ठीक है. उन क्राइसिस से कभी भी वर्ल्ड वॉर नहीं बना. दो सुपर पावर्स जो थी वहाँ पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुए. कहाँ कहाँ पर हुए? एक तो हमारा हुआ कोरिया के अंदर 1950 से 53 के अंदर, बर्लिन में 58 से 62 तक, कॉन्गो में अर्ली 1960s में, और सेवरल अदर प्लेसेस के अंदर. अब क्राइसिस से क्या हुआ? जो क्राइसिस डीप होती गई, क्राइसिस डीपन्ड एज नीदर ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व वॉज विलिंग टू बैक डाउन. मतलब कि क्राइसिस डीप होती गई क्योंकि जो दोनों पार्टीज थी उनमें से एक भी पीछे नहीं हटना चाहती थी. ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्राइसिस क्या थी. आपकी बुक में कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि क्राइसिस कहाँ कहाँ हुई थी, लेकिन हम कुछ क्राइसिस हैं इनमें से जिनको डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें से एक है कोरिया, एक है अपना वियतनाम. तो इन दो को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अगर आपको स्किप करना है तो आपको टाइमिंग मेंशन मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब हम उसको स्टार्ट करते हैं, मैप में देखते हैं सबसे पहले कि कहाँ पे है हमारा कोरिया, कहाँ पे है और वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई. हम लोग मैप पे, हमारा इंडिया यहाँ पे है, नेपाल है, और यहाँ पे चाइना है, और इसके यहाँ पे इसके राइट साइड में है कोरिया, ठीक है. कोरिया के राइट में क्या है, मतलब ईस्ट में क्या है? जापान. ओके, सो हमको पढ़ना है कोरिया के बारे में. कोरिया की लोकेशन हम लोगों ने देखी ली है, कहाँ पे सिचुएटेड है. अब कोरिया के आसपास में क्या है? एक तो इसके ईस्ट में सी ऑफ जापान, और उसके ईस्ट में है जापान, और इसके वेस्ट में है येलो सी, ठीक है. तो ये दो सीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है. इसके ईस्ट में है सी ऑफ जापान एंड वेस्ट में है येलो सी. ओके, तो इन दो सीज़ के बीच में जो कंट्री सिचुएटेड है वो है कोरिया, ठीक है. साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया. नॉर्थ कोरिया का कैपिटल क्या है? प्योंगयांग. और साउथ कोरिया का कैपिटल क्या है? सियोल. अब इसको सियोल भी कहते हैं और सोल भी कहते हैं, तो जो आप कहना चाहें दोनों ही ठीक है. ओके, तो हम लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे पहले थोड़ा सा, और फिर हम जानेंगे कि हुआ क्या था कोल्ड वॉर के दौरान. सबसे पहले तो कब तक यहाँ पे तो जो था कोल्ड वॉर के दौरान वॉर चला था? जून 1950 टू जून 27th 1953, ठीक है. तो करीब 3 साल तक ये वॉर चला था. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर टू जो था वो हमारा फिनिश हो गया, है ना. वर्ल्ड वॉर टू फिनिश हुआ तो उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे जापान का रूल था, ठीक है. वर्ल्ड वॉर के पहले यहाँ पे जापान का रूल था, जापान यहाँ पे रूल कर रहा था. अब जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तो हम सबको पता है कैसे खत्म हुआ था, जब जापान पे एटम बॉम्ब्स को ड्रॉप किया गया था, ठीक है, हिरोशिमा नागासाकी पे. तो जापान को यहाँ से सरेंडर करना पड़ा कोरिया से. अब क्या हुआ कि जो नॉर्थ जो पार्ट था, नॉर्थ में जो जापान की ट्रूप्स थी, उसने किसको सरेंडर किया? उसने सरेंडर किया यूएसएसआर को, ठीक है. जो जापान की ट्रूप्स थी नॉर्थ कोरिया के अंदर, उन्होंने यूएसएसआर को सरेंडर कर दिया, और जो साउथ कोरिया में ट्रूप्स थी उसने यूएसए को सरेंडर कर दिया. ओके, अब इन्होंने यहाँ पे जो अपना कब्जा किया था, ऑक्यूपाई किया था, वो इसीलिए नहीं किया था ताकि वो हमेशा उसको अपनी टेरिटरी बना के रखेंगे. उन्होंने ये बोला था कि जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे इलेक्शन करवाएंगे और नॉर्थ और साउथ कोरिया वापस से एक हो जाएंगे. ओके, अब यहाँ पे नॉर्थ कोरिया के अंदर कौन था? यूएसएसआर, और साउथ कोरिया के अंदर था यूएसए. कोरिया जापान के कंट्रोल से तो फ्री हो गया, लेकिन अब इन दोनों कंट्रीज़ का यहाँ पे कंट्रोल था. 1948 के अंदर, 1948 के अंदर अब यहाँ पे कंट्री को डिवाइड कर दिया गया था 38th पैरेलल पे, ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि कंट्री डिवाइड कहाँ हुई थी, 38th पैरेलल पे डिवाइड हुई थी. ओके, 38th पैरेलल पे डिवाइड हुई. साउथ में कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी और नॉर्थ में हमारी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो होने लगी. अब यहाँ पे क्या हुआ, सोवियत यूनियन जो थी हमारी यूएसएसआर, उसने नॉर्थ में से विड्रॉ कर लिया था. कब? 1948 के अंदर. और यूएसए ने भी विड्रॉ कर लिया उसी के बाद में 1949 के अंदर. ओके, अब कोरिया ने क्या किया? जो नॉर्थ कोरिया था, नॉर्थ कोरिया ये बोलता था कि भैया साउथ कोरिया भी हमारे ही पार्ट है और ये
जो है दोनों जो कंट्रीज डिवाइड हुई है यहाँ पे इनको एक हो जाना चाहिए, ठीक है। यूनिफिकेशन चाहते थे ये नॉर्थ और साउथ कोरिया का, और खुद लीडर बनना चाहते थे, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया ने क्या किया, साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसका मतलब एक तरीके से और क्या था कि कम्युनिस्ट कंट्री ने कैपिटलिस्ट कंट्री के ऊपर अटैक किया। ओके, नॉर्थ कोरिया ने अटैक कर दिया कब, June 25th 1950 के अंदर, June 25th 1950, और यहीं से जो था हमारा कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ। 75,000 ट्रूप्स ऑफ नॉर्थ कोरिया डिफीटेड साउथ कोरियन ट्रूप्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, 75,000 नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स ने डिफीट कर दिया किसको, साउथ कोरियन ट्रूप्स को, और इनका जो ये सोल था इसको क्या किया उन्होंने कैप्चर कर लिया, मतलब कि इसकी कैपिटल को इन्होंने कैप्चर कर लिया। और फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा ये साउथ कोरिया ऑक्यूपाई कर लिया, सिवाय एक जगह के जो कि थी बुसैन। अब बुसैन यहाँ पे आप देख पाएंगे ये, ठीक है। तो इतना इतना करीब पार्ट यहाँ पे ये लोग कैप्चर नहीं कर पाए थे, कौन, नॉर्थ कोरियन आर्मी, बाकी का पूरा जो साउथ कोरिया था इन्होंने पूरी तरीके से इसको कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जो ट्रूमैन थे वो चाहते थे कि यूएस यहाँ पे रोके इसके इंटरवेंशन को, नॉर्थ कोरिया के इंटरवेंशन को रोके, कौन, यूएसए रोके। क्यों होगा, क्योंकि इसको कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट। तो वो लोग चाहते थे, डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब ये होता है कि अगर एक कंट्री गिर गई उस आइडियोलॉजी की, यूएसए की आइडियोलॉजी की, मान लो कि जैसे साउथ कोरिया के अंदर यूएसए की आइडियोलॉजी जो थी कैपिटलिज्म उसको फॉलो किया जा रहा था, तो यूएसए का मानना था, मतलब डोमिनो थ्योरी ये कहती है कि अगर एक कंट्री गिर गई उस आइडियोलॉजी की, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसके आसपास की जो भी कंट्रीज होंगी, जो भी जगह होंगी, वो भी इसके साथ साथ में गिर जाएंगी। तो डोमिनो इफेक्ट के थ्रू ये इसको प्रिवेंट करना चाह रहे थे कि जो कम्युनिज्म का स्प्रेड है वो बढ़े ना, और नॉर्थ कोरिया को वापस भेज दिया जाए। प्रेसिडेंट ट्रूमैन इन यूएस वांटेड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म बाय प्रिवेंटिंग द डोमिनो इफेक्ट, दैट इज इफ कोरिया फेल्स सो इन अदर कंट्रीज टू द आइडियोलॉजी, मतलब कि अगर कोरिया गिरता है तो उसी आइडियोलॉजी की बाकी कंट्रीज का भी चांस है कि वो गिर जाए। अब साउथ कोरिया ने क्या किया, अपील करी यूएन के अंदर, लेकिन यूएन में उसको इग्नोर कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार तो उसको इग्नोर किया, लेकिन फिर वहाँ पे यूएन आर्मी को अप्रूव किया गया, ठीक है, यूएन पीस कीपिंग जो फोर्सेस थी, और वहाँ से 16 कंट्रीज से वहाँ पे ट्रूप्स गई, ठीक है, 16 कंट्रीज की वहाँ पे ट्रूप्स गई साउथ कोरिया को फ्री कराने के लिए। और जिन 16 कंट्रीज में से जो मैक्सिमम जो ट्रूप्स थी वो कहाँ से आई थी, यूएसए से। ओके, यहाँ पे जो आ गई अपनी ट्रूप्स यूएन की, अब इन्होंने क्या किया कि जो नॉर्थ कोरियन जो आर्मी थी उसको वापस से पुश बैक कर दिया यहाँ पे 38th parallel तक, ठीक है। अब ये किसके अंडर में हो रहा था एक बार वो भी जान लेते हैं, ये हो रहा था जनरल मैकार्थर के अंडर में, ठीक है। ये थे जो कमांडर थे, वो थे जनरल मैकार्थर, जनरल डगलस मैकार्थर, ठीक है। अब इनको क्या ये चाहते थे कि हम लोग सिर्फ यहाँ तक ही नहीं रह जाएं, मतलब वो यहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे 38th parallel पे, वो चाहते थे कि हम पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया भी कैप्चर कर लें। अब उन्होंने ये चीज़ बात करी अपने प्रेसिडेंट ट्रूमैन से। अब ट्रूमैन को क्या हुआ, थोड़ा सा उनको डर लगा इन द सेंस कि उनको ये लगा कि अगर हमने यहाँ पर और अंदर तक जाने की कोशिश की तो हो सकता है कि जो इसकी आइडियोलॉजी की जो कंट्रीज़ हैं, मतलब कि यूएसएसआर और चाइना, उनको कहीं बुरा नहीं लगे और वो कहीं ये नहीं सोचे कि हम लोग उन पर अटैक करना चाह रहे हैं, और वो हो भी सकता है कि वो इनका साथ देने के लिए आ जाए। और डेफिनेटली जैसा उनका डर था वही हुआ। अब मैकार्थर ने अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखा और उन्होंने इनको पुश बैक कर दिया यालू रिवर तक। अब यालू रिवर जो है, ये पूरी रिवर है यालू रिवर। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यालू रिवर जो है वो बॉर्डर है बिटवीन चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। अब जब यूएस आर्मी जो थी, यूएन आर्मी जो थी, वो यहाँ तक पहुँच गई, तो चाइना को क्या लगा कि ये लोग अगर यहाँ तक पहुँच गए तो ये भी हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे नहीं रुके और ये लोग चाइना के अंदर अटैक कर दें। तो एक तो ये चीज़ थी कि चाइना को खुद को प्रोटेक्ट करना था, और दूसरी चीज़ थी कि जो नॉर्थ कोरिया था वो चाइना की जो आइडियोलॉजी थी कम्युनिज़्म, दोनों सेम आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद में क्या हुआ कि चाइना ने रिटेलिएट कर दिया, नेचुरल सी बात थी, और ट्रूमैन को यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, और वही हुआ, चाइना रिटेलिएटेड। अब यूएन ट्रूप्स को वापस उन्होंने कहाँ पे पुश बैक किया, उन्होंने साउथ कोरिया के अंदर उसको पुश कर दिया, ठीक है, उनको वापस से पुश कर दिया। अब फिर से उन्होंने किसको कैप्चर कर लिया, सोल को कैप्चर कर लिया। मैकार्थर वॉन्टेड टू रिटेलिएट, अब वापस से जो थे मैकार्थर उनको रिटेलिएट करना चाहते थे, उन्होंने रिटेलिएट किया और वापस से उनको यहाँ पे पुश बैक कर दिया 38th parallel पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पीस टॉक शुरू हो गई, वो लोग चाहते थे कि बातें करके, ठीक है, नेगोशिएशंस करके हम लोग इस चीज़ को ख़त्म कर दें। जुलाई के अंदर जो थी पीस टॉक्स चालू हुई, लेकिन उससे ये उनकी जो लड़ाई चल रही थी उस पर कोई असर नहीं हुआ, वो लड़ाई वहाँ पे कंटिन्यू रही नॉर्थ और साउथ के बीच में, और पीस टॉक्स वहाँ पे चल रही थी। अब हाल फिलहाल में क्या हुआ कि यूएस के जो प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन, वो चेंज हो गए। जैसे ही वहाँ पे प्रेसिडेंट चेंज हुए, वहाँ पे उन्होंने इस ये जो लड़ाई थी उसको ख़त्म कर दिया और वहाँ पे पीस स्टार्ट हो गया, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं था कि ये दोनों एक हो गए, वहाँ पे सिर्फ ये जो लड़ाई चल रही थी नॉर्थ और साउथ के बीच में ये ख़त्म हो गई। ओके, सेकंड जो आपका वॉर दे रखा है वो दे रखा है आपका बर्लिन के अंदर। अब बर्लिन में इतना कुछ खास है नहीं जो मैं आप लोगों को बताऊं, तो हम लोग बर्लिन को स्किप करेंगे। बर्लिन यहाँ पे जर्मनी के अंदर है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, बट हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग वियतनाम को डिस्कस करेंगे। वियतनाम का बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री रही है, ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बार वो देख लें।
वियतनाम कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, ठीक है, दिस इज़ वियतनाम। और इसके ईस्ट में है साउथ चाइना सी और इसके वेस्ट में है गल्फ ऑफ थाईलैंड। इसके नॉर्थ में क्या है, ऊपर हम लोग देखेंगे तो इसके यहाँ पे चाइना आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉर्डर भी शेयर कर रहा है चाइना के साथ में। अब पहले क्या था, हम लोग बात कर रहे हैं अपने वर्ल्ड वॉर के पहले की अभी, तो पहले जब वर्ल्ड वॉर टू नहीं स्टार्ट हुआ था तो ये वियतनाम हो गया और इसके ये दो नेबरिंग नेशंस थे, कंबोडिया एंड लाओस, ठीक है, और इसके यहाँ पे है अपना इंडिया और यहाँ पे है चाइना। तो जब यहाँ पे फ्रांस का रूल था तो इसका नाम क्या था उस टाइम पे, जब यहाँ पे फ्रांस का रूल था 1860 में, ठीक है, 1860 से 1941 तक यहाँ पे फ्रेंच आर्मी रूल कर रही थी। अब इन्होंने इसको नाम क्या दिया था अपनी टेरिटरी का, इन्होंने दिया था फ्रेंच इंडो चाइना, ठीक है, फ्रेंच इंडो चाइना। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है और जो वियतनाम है ये इसके बीच में, और यहाँ पे फ्रांस का रूल है, ठीक है, तो फ्रेंच इंडो चाइना इसका नाम दिया गया था। अब इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, यहाँ पे जापान का इन्वेजन हो गया। 1941 से 45 तक यहाँ पे जापान ने रूल किया। 1945 के अंदर आपको पता है जो अभी पहले प्रीवियस हमारे उसमें हुआ था कहाँ पे, कोरिया के अंदर जो हुआ था वही सेम वियतनाम के अंदर हुआ, जब जापान के ऊपर बॉम्ब्स ड्रॉप हुए 1945 में, तब क्या हुआ कि जापान को वहाँ पे सरेंडर करना पड़ा। अब उसने दोनों ही यहाँ पे किसको किया, अलाइड पावर्स को जो था वो उसने सरेंडर किया, जो नदर्न ट्रूप्स थी, जो यहाँ पे ट्रूप्स थी उसने किसको किया, चाइना को, और यहाँ पे जो थी उसने किसको किया, यूके ब्रिटेन को, ठीक है। तो ऐसे करके वियतनाम में जापान ने सरेंडर कर दिया। अब कुछ टाइम बीते और कुछ टाइम बाद में जो फ्रांस था वो चाहता था कि भाई हमारा यहाँ पे पहले कॉलोनी थी, हमारा रूल था, तो फ्रांस वापस से आना चाहता था। फ्रांस ने अपील करी तो यहाँ पे चाइना थोड़ा सा हिचकिचाया अपना ये पार्ट देने में, लेकिन जो यूके था उसने बोला कि ठीक है भाई आपका रूल था तो आप वापस से आ जाइए यहाँ पे, और यूके ने दे दिया किसको, फ्रांस को। फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, अब यहाँ पर फर्स्ट इंडो चाइना वॉर कहते हैं 1946 से 54 के अंदर। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि वहाँ के जो लोकल लोग थे वहाँ पे एक उन्होंने गवर्नमेंट बना ली थी जिसका नाम था वियत मिन। ये वहाँ पे एक लोकल उन्होंने अपनी सरकार बना ली थी, किसके अंडर में, होचीमिन के अंडर में, ठीक है। और इन लोगों को किससे लड़ाई, मतलब ये लोग किसके अगेंस्ट में थे, ये लोग फ्रेंच लॉयलिस्ट के और आर्मी के अगेंस्ट थे, ठीक है। ये लोग नहीं चाहते थे कि फ्रांस का वहाँ पे रूल हो, वो लोग किसी के भी अंडर में नहीं रहना चाहते थे, ना चाइना ना फ्रांस ना यूके, वो लोग चाहते थे कि हम लोग अब इंडिपेंडेंट रहें। तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, अभी गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होते हैं, जो छुपके वॉर करते हैं, ठीक है। तो फ्रांस ने क्या हुआ, फ्रांस डिफीटेड। अब इन्होंने क्या किया, फ्रांस को डिफीट कर दिया। कैसे डिफीट किया था, गुरिल्ला वॉरफेयर से, ठीक है। जो वियत मिन थी उसने डिफीट कर दिया यहाँ पे फ्रांस आर्मी को। अब उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एक जेनेवा अकॉर्ड हुआ, शांति समझौता हुआ उनके बीच में। जेनेवा अकॉर्ड के अंदर उन्होंने क्या बोला कि फ्रांस छोड़ के जाएगा लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को, और ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे इसको छोड़ के जाओ, और दीज थ्री टू बी मेड इंडिपेंडेंट। वियतनाम पार्टीशन हो गया फिर नॉर्थ और साउथ के बीच में। अब ये हुआ था 17th पैरेलल पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक ऐसे लाइन खींच दी थी, कहाँ पे 17th पैरेलल, वहाँ पे क्या था 38th पैरेलल कोरिया के अंदर, और यहाँ पे था 17th पैरेलल। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के अंदर। अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि बाद में इवेंचुअली जो था साउथ हार गया था और नॉर्थ पूरा ये एक हो गया था, इसीलिए इसमें डिवीजन नहीं है, बट यहाँ पे डिवीजन था पहले। नॉर्थ जो था वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी, ठीक है, होची मिन के अंडर में, और जो साउथ था वो प्रो वेस्ट था, वहाँ पे कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी नो दिन दियान के अंडर में, ठीक है। 1945 के अंदर क्या हुआ, नॉर्थ को सपोर्ट था पूरा का पूरा यूएसएसआर का और चाइना का, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का, और साउथ में यूएसए और यूके का सपोर्ट था। साउथ के अंदर क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई, नो दिन डीएम जो थे वो एक करप्ट लीडर बन गए, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको जानने की बात क्या है कि साउथ के अंदर जो था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो हो रही थी, इसके लीडर कौन थे, नो दिन डीएम, ठीक है, नो दिन डीएम। अब ये क्या हुआ, जैसे इनके पास पावर आई तो ये जो थे ये क्या हो गए, करप्ट हो गए, ठीक है। इन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज स्टार्ट कर दी, ये एक तरीके से ऑटोक्रेटिक रूलर बनते गए। तो यहाँ पे जो वियत कॉन्ग थी बेसिकली वो इनके अगेंस्ट थी, ठीक है, वहाँ के लोगों ने इसको अपोज़ किया और जो वियत कॉन्ग थी इसने भी इसको अपोज़ किया। अब वहाँ पे गुरी पिक्चर भी दे रखी है, आपके बुक में पिक्चर है जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये दे रखा है कि जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के जॉनसन यूएसए के, उनको बहुत बड़ी एक हार हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो वो इसी वॉर के बारे में है पूरा कि यूएसए जो था उसकी पहली बहुत बड़ी हार थी यहाँ पे। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि यूएस कहाँ पे आता है पिक्चर के अंदर और कैसे वहाँ पे उसको हार हुई। अब यहाँ पे जेनेवा अकॉर्ड, इट वाज डिसाइडेड दैट इलेक्शंस विल बी कंडक्टेड एंड साउथ एंड नॉर्थ वियतनाम विल बी यूनिफाइड। अब जेनेवा अकॉर्ड के अंदर क्या बोला गया था कि यहाँ पे इलेक्शंस होंगे और साउथ और नॉर्थ जो है वो यूनिफाई हो जाएंगे। नॉर्थ इन डीएम डिड नॉट कंडक्ट इलेक्शन, लेकिन जो नॉर्थ इन डीएम थे उन्होंने क्या किया, इलेक्शंस को कंडक्ट नहीं किया। अब यहाँ पे आया अमेरिकन इंटरवेंशन।
टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म इन साउथ ईस्ट एशिया यूएसए सेंट एडवाइसर्स टू हेल्प साउथ वियतनाम फोर्सेज इन अर्ली 1950s एंड इंक्रीज्ड प्रेजेंस अंडर जॉन एफ कैनेडी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये सब कुछ चल रहा था, तो अब यहाँ पे कौन था यूएसए और यहाँ पे कौन था यूएसएसआर, मतलब चाइना था, और बेसिकली इनकी आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो हो रही थी, कम्युनिस्ट। तो अगर ये जीत जाते यहाँ पे, अगर ये साउथ वियतनाम को हरा देते तो क्या होता, कम्युनिस्ट नेशन एक जीत जाता, और जो हमने अभी डोमिनो थ्योरी पढ़ी थी वही सेम यहाँ पे भी अप्लाई हो रही थी। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि यहाँ पे कम्युनिस्ट रूल फैले, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया इसको आप रोको, और वहाँ पे उन्होंने अपने एडवाइजर्स भेजे यूएसए ने साउथ वियतनाम के अंदर ताकि वो हेल्प करें इनकी रोकने में। हुआ था गल्फ ऑफ टॉनकिन इंसिडेंट। अब इसमें क्या हुआ था, टॉनकिन इंसिडेंट ये क्या था, ये एक पूरा फेक इंसिडेंट था जिसके बाद में जो यूएसए था हमारा वो डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया था। अब इस फेक इंसिडेंट में हुआ क्या था फटाफट देख लेते हैं एक बार। इन अगस्त 1964 अगस्त के अंदर यूएस नेवल शिप यूएसएसआर मेडॉक्स वाज अटैक्ड बाय नॉर्थ वियतनामीज बोट्स इन द गल्फ ऑफ टॉनकिन। अब यहाँ पे क्या हुआ, गल्फ ऑफ टॉनकिन के अंदर एक ऐसी अफवाह फैलाई गई, मतलब अफवाह तो बाद में पता लगा था कि अफवाह है, लेकिन पहले उन्होंने क्या बोला कि जो यूएस नेवल शिप से यूएसएस मेडॉक्स उसको क्या किया, नॉर्थ वियतनामीज जो बोट है उन्होंने अटैक कर दिया है। अब यूएस कांग्रेस ने क्या किया, एक पास किया रेजोल्यूशन गल्फ ऑफ टॉनकिन करके, जिसके अंदर यूएसए ऑफिशियली वॉर के अंदर आ गया था। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ तो उनको पता लगा कि ये तो एक फेक इंसिडेंट था, लेकिन अब हमारा जो यूएसए था वो पिक्चर में आ चुका है। तो हम आगे देखते हैं हुआ क्या। अब प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए कौन हो गए थे, जॉनसन, ठीक है। ड्रॉपिंग बॉम्ब्स इन वियतनाम एंड यूज़ ऑफ केमिकल एजेंट। अब उन्होंने वहाँ पे क्या किया कि बॉम्ब्स को ड्रॉप किया, मतलब जितने टोटल वर्ल्ड वॉर सेकेंड में पूरे दुनिया में ने ड्रॉप हुए थे बॉम्ब्स, उससे ज़्यादा उन्होंने कहाँ पे ड्रॉप कर दी, वियतनाम वॉर में। उन्होंने केमिकल जो वेपन्स थे, एजेंट्स थे, ठीक है, बॉम्ब्स थे, उनका यूज़ किया, जिससे क्या हो रहा था, पूरा का पूरा फॉरेस्ट वो लोग ऊपर से क्लियर कर पा रहे थे। मतलब प्लेन जाते थे और वहाँ पे वो लोग उनको केमिकल वेपन्स को छोड़ देते थे, और उससे पूरा का पूरा जंगल साफ हो जाता था ताकि यूएसए की जो आर्मी है उसको वहाँ पे हेल्प मिले। जंगल एंड रूरल एरियाज के अंदर बेसिकली ये फाइट हो रही थी, और टनल नेटवर्क्स ने यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब यहाँ पे क्या था कि जिसका टेरेन था वो बहुत ज़्यादा अलग था, ठीक है, वियतनाम के अंदर, और यूएसए की जो आर्मी थी उसको आदत नहीं थी ऐसी जगह पे लड़ने की। वहाँ पे क्या था, जंगल था, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो था ग्रीन एरिया था। अब वहाँ पे क्या हुआ कि जो वियतनाम की जो आर्मी थी उनको, तो वियत कॉन्ग जो थी उनको बहुत ज़्यादा आदत थी इस टेरेन में लड़ने की, तो उन्होंने क्या किया, टनल्स बना दी नीचे नीचे तक। अब वो जब भी वहाँ पे यूएसए की आर्मी आती है टनल्स में से निकलते और उसको मार देते, और एक फ़ायदा उनको ये हुआ कि जब भी वो ऊपर से बॉम्ब ड्रॉप करते तो वो लोग वहाँ पे सेफ रह सकते थे। तो टनल नेटवर्क और जो जंगल था, रूरल एरियाज थे, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की वियतनाम की जीतने की, और यही वजह थी कि यूएसए वहाँ पे जीत नहीं पाया। टेट ऑफेंसिव क्या था, जनवरी 1968 के अंदर सरप्राइज अटैक कर दिया वियत कॉन्ग ने, ठीक है। सरप्राइज अटैक में क्या था, थॉट दैट द गवर्नमेंट विल फॉल। अब यहाँ पर उन्होंने एक सरप्राइज अटैक कर दिया वियतनाम के अंदर, किसके ऊपर, यूएसए की आर्मी के ऊपर, और उन्होंने ये सोचा कि वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं गिरी, लेकिन उनको एक भारी नुकसान पहुँचा, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि वो तो बूस्ट हो गए, ठीक है, उनको लगा कि हम लोग अगर वॉर कर सकते हैं, बाकी पूरी दुनिया को भी ये लगा कि अगर इतना क्षमता है अगर वियत कॉन्ग में कि वो इतना बड़ा हमला अभी भी कर सकते हैं, तो ये जो हमारी सरकार हमें बोल रही, यूएसए की जो गवर्नमेंट बोल रही थी वो गलत था, ठीक है। और जो पॉपुलर परसेप्शन था यूएसए के अंदर वो चेंज हो गया। अब पॉपुलर परसेप्शन क्या था कि जो यूएसए था, ठीक है, यूएसए अपने लोगों को क्या बोल रहा था, मीडिया क्या दिखा रही थी वहाँ पे कि हम लोग लड़ाई जीतने ही वाले हैं और जो वियतनाम की जो आर्मी है वो ऑलमोस्ट डिफीट कर चुके हैं हम लोग, और कुछ ही टाइम में वॉर ख़त्म हो जाएगा। तो यूएसए के लोग थे जो वो ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। और वहाँ पे क्या था कि एक ड्राफ्ट होता था, उसके अंदर क्या होता था कि यूएसए में हर किसी को आर्मी में जाना कंपलसरी होता था और यहाँ पे लड़ना कंपलसरी होता था। लेकिन जब ये वाली न्यूज़ आई तो उन्होंने सोचा कि हम लोग क्यों लड़े भाई, जब हमारी सरकार ही हमसे झूठ बोल रही है। तो बहुत ज़्यादा जो था वहाँ पे पॉपुलर परसेप्शन पूरी तरीके से चेंज हो गया, और जो जनता थी वहाँ की यूएसए की, उसने एक तरीके से यूएसए का सपोर्ट करना कम कर दिया और उनको क्रिटिसाइज़ किया कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया। लोगों को वहाँ पे क्या हुआ, बिट्रेट फील किया सब लोगों ने कि यार हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमसे झूठ बोला। अब उसके बाद में एक माइलाय मास्केयर भी हुआ 1968 के अंदर। अब इसके अंदर क्या हुआ कि तो यूएसए की आर्मी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे मास्केयर किया, किसका, जो भी निहत्ते लोग थे, जो भी वहाँ के लोग थे, वुमेन चिल्ड्रन, उनको बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारा और उनको एक जगह पे फेंक दिया, ठीक है। इसको आप लोग सर्च करके देखना गूगल के ऊपर, माइलाय मास्केयर, उसके बहुत ज़्यादा हॉरीफाइंग जो है पिक्चर्स है वहाँ पे कि कैसे वहाँ पे मास्केयर हुआ था, कैसे यूएस आर्मी ने बहुत सारे लोगों को मार दिया था। अब इससे क्या हुआ कि एंटी वॉर सेंटीमेंट्स हो गए यूएसए के अंदर, और मीडिया ने क्या किया, बहुत ज़्यादा यूएसए को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे। कैसे भैया, एक तो मीडिया जो थी वहाँ पे यूएसए में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जब तक मीडिया यूएसए का साथ दे रही है तब तक जो यूएसए है वो अपने घर में तो जीत रहा है, लेकिन अब क्या हुआ, मीडिया भी अगेंस्ट हो गई, लोग भी अगेंस्ट हो गए, तो यहाँ पे एक एंटी वॉर सेंटीमेंट्स जो थे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, रिचर्ड निक्सन वॉन इलेक्शन। अब यूएसए के अंदर रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने क्या किया, इलेक्शन जीत लिया 1968 के अंदर।
अब ये जीते किस बेसिस पे थे, इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि वियतनामाइजेशन इनकी पॉलिसी थी, उन्होंने बोला था कि मैं इस वॉर को ख़त्म करा दूंगा। ही प्रॉमिस टू स्टॉप द वॉर इन 1970s, ही रिड्यूस द US ट्रूप्स इन वियतनाम, वहाँ से उन लोगों ने वियतनाम से अपनी ट्रूप्स जो थी उसको रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। 1970 थी, पेरिस पीस अकॉर्ड हुआ, USA ने एग्जिट कर दिया वॉर को, लेकिन फाइट वहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में थी वो उनकी चल रही थी, बट यहाँ पे USA जो था वो पिक्चर से आउट हो चुका। क्यों? अब एक तरीके से ये देखो कि आउट होने का मतलब ये नहीं है कि USA जीत गया या USA हारा नहीं, USA हार तो ऑलरेडी चुका था क्योंकि USA जो करना चाहता था वहाँ पे वो नहीं कर पाया था। अब धीरे धीरे क्या किया, USA ने वहाँ से विड्रॉ कर लिया पूरी तरीके से। नॉर्थ वियतनाम ने क्या किया, साउथ वियतनाम को कैप्चर कर लिया अप्रैल 1975 के अंदर, और वियतनाम यूनिफाई हो गया और वहाँ पे कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो होने लग गई। ओके, मेजर इंपैक्ट यहाँ पे क्या था कि ये फर्स्ट मेजर US डिफीट था, मतलब ये बहुत बड़ी एक USA के लिए हार थी। ओके, तो हम लोगों ने पूरा वियतनाम का इंसिडेंट समझ लिया, कोरिया का इंसिडेंट समझ लिया। आई होप ये दो इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं और आपको कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस में हम लोग, यहाँ पे दे रखा वियतनाम वॉर, अ ग्रेट मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन सम ऑफ द एरिनास लाइक कोरिया हमने देख लिया, वियतनाम हमने देख लिया, अफगानिस्तान हमने नहीं देखा, इतना कुछ था नहीं उसमें। बट द वॉर वॉज स्पेयर्ड अ न्यूक्लियर वॉर एंड ग्लोबल हॉस्टैलिटीज, इन सम केसेस ह्यूज मिलिट्री बिल्डअप्स वर रिपोर्टेड, इन मेनी केसेस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन बिटवीन द सुपर पावर्स कुड नॉट बी सस्टेन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ खास नहीं है, समटाइम्स कंट्रीज आउटसाइड द टू ब्लॉक्स। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है, हमारे नैम के बारे में बात हो रही है, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस अभी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है। तो नैम के बारे में बात हुई है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो कोल्ड वॉर की जो क्राइसिस थी उसको अवॉइड करने में, उसको रोकने में जो नैम कंट्रीज थी उसका बहुत बड़ा हाथ था। जवाहरलाल नेहरू वॉज वन ऑफ द की लीडर्स ऑफ नैम, ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज। जो कोरिया के अंदर अभी हमने देखा उसमें जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ था। इन कॉन्गो क्राइसिस द UN सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ मीडिएटरी रोल, बाय एंड लार्ज इट वॉज द रियलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या बोला है कि सुपर पावर जो थी, अब उसको ये समझना था कि किसी भी तरीके से जो वॉर है हम उसको अवॉइड करें और हम लोग एक्सरसाइज करें रेस्ट्रेंट को। रेस्ट्रेंट का होता है सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, इनको अवॉइड करना था वॉर, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो था इंटरनेशनल अफेयर्स में उनको बिहेव करना था। कोल्ड वॉर जैसे एक एरिना से दूसरे एरिना में जाता गया, तब जो लॉजिक था रेस्ट्रेंट का वो हम लोग क्लियरली देख पा रहे थे। सिंस द कोल्ड वॉर डिड नॉट एलिमिनेट राइवलरीज बिटवीन द टू अलायंसेज, अब यहाँ पे क्या बोले कि कोल्ड वॉर से क्या हुआ कि राइवलरीज खत्म नहीं हुई अलायंस के बीच में, लेकिन म्यूचुअल सस्पिशन वहाँ पे बढ़ता गया। म्यूचुअल सस्पिशन वहाँ पे क्यों हुआ ये हम देखते हैं। नीदर साइड अंडरस्टूड दैट वॉर माइट अकर इन स्पाइट ऑफ रेस्ट्रेंट, अब उनको क्या लगा कि रेस्ट्रेंट है लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि वॉर हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को आर्म्स रेस में वापस से बांध लिया। मतलब कि उन्होंने जो अपने आर्म्स थे, अपने जो वेपन्स थे, उसको कम नहीं किया, उनको छोड़ा नहीं। अब यहाँ पे उन्होंने क्या क्या आशंकाएं जताई है कि हो सकता है ईदर साइड माइट मिसकैलकुलेट द नंबर ऑफ वेपन्स इन द पोजेशन ऑफ द अदर साइड्स। अब इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि दूसरी साइड जो है वो हमारे वेपन्स को मिसकैलकुलेट कर ले, हो सकता है कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है कि कोई सोल्जर जो है वो वहाँ पे मिस्टीवियसली जो है एक वेपन को शॉट कर दे डेलिबरेटली टू स्टार्ट अ वॉर। मतलब कुछ भी ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंट हो जाए और सामने वाली साइड ये सोच ले कि हम लोग वॉर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारी की जो थी आशंकाएं जताई गई और इसीलिए उन लोगों ने अपने आप को आर्म्स रेस में कंटिन्यू रखा। अब यहाँ पे जो है ये दो पिक्चर्स आपको दे रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, USSR है और ये है USA और ये है चाइना। ओके, तो यहाँ पे क्या था, जो USA था वो सीक्रेटली एक अंडरस्टैंडिंग के अंदर आया चाइना के साथ में ट्रेड के ऊपर, ठीक है, वहाँ पे थोड़े से ट्रेड समझौते जो थे वो होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि चाइना को भी ये लगा कि वो अलूफ नहीं रह सकता पूरे वर्ल्ड से, ठीक है, वो आइसोलेट नहीं रह सकता बहुत ज़्यादा टाइम तक। तो धीरे धीरे उसने क्या किया, USA के साथ में जो अपने ट्रेड बैरियर्स थे उनको ख़त्म करना स्टार्ट किया और वो USA के साथ में सीक्रेट मीटिंग में आया। यहाँ पे इस कार्टून के थ्रू ये डिपिक्ट किया गया है कि USSR को उसने डार्क में रखा USA ने और वो चाइना के साथ में सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग में आया। यहाँ पे प्रेसिडेंट जॉनसन आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। प्रेसिडेंट जॉनसन जो है उन्होंने सोचा कि वियतकोंग को हम लोग बहुत इजीली हरा देंगे, लेकिन वियतकोंग ने क्या किया, उल्टा उन पर अटैक कर दिया और ये उनको बहुत भारी पड़ा। प्रेसिडेंट जॉनसन इज इन मोर ट्रबल ओवर वियतनाम, ये कई बार आ भी जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप लोगों को पूरा पता है वहां पे हुआ क्या था। इन टाइम देयरफॉर द US एंड USSR डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। अब यहां पे क्या है, USA और USSR ने डिसाइड किया कि वो लोग लिमिट करेंगे सर्टेन काइंड्स ऑफ वेपन्स को। अ स्टेबल बैलेंस ऑफ वेपन्स दे डिसाइडेड कुड बी मेंटेन थ्रू आर्म्स कंट्रोल। यहां पे उन्होंने आर्म्स कंट्रोल स्टार्ट किया 1960s के अंदर। उन्होंने तीन सिग्निफिकेंट ट्रीटीज साइन करी, LTBT, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, और इसके बाद में बहुत सारी वहाँ पे ट्रीटीज़ जो थी वो साइन हुई थी। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये कोल्ड वॉर की टाइमलाइन दे रखी है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। 1975 में प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन्स कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म मार्शल प्लान आया, US ने एड किया था। अब ये हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि अभी हमने इसके बारे में सब कुछ नहीं पढ़ा। मार्शल प्लान आपका आगे आएगा,
और बर्लिन में जो वॉर था, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बर्लिन वॉर दे रखा है। तो बर्लिन वॉर जो था वो ख़त्म कब हुआ था, जब बर्लिन के अंदर जो हमारी बर्लिन वॉर ड्रॉ की गई थी जिसने ईस्ट और वेस्ट जर्मनी को सेपरेट कर दिया था, इसके बाद में जो था ये ख़त्म हुआ था 1962 के अंदर। और 1991 के अंदर आपको पता है फाइनली बर्लिन जो था वो एक हो गया था और बर्लिन का यूनिफिकेशन हो गया था। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट एंड यू एंजॉयड इट। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, आप लोग स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट मैं चाहूँगी आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ें ताकि आपको कुछ रटना नहीं पड़े, आपको सब कुछ समझ में आ जाए, एक स्टोरी की तरह इसको याद करना। चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि हम लोग खत्म कर दें नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर, और ये ट्रीटीज देख लो यहाँ पे लास्ट में दे रखे, तो हम लोग इसको लास्ट में ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट एंड शेयर। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंटिल देन टेक केयर। At last, this is the picture that is clearly depicting what is domino effect, that one thing leads to the falling of other things. So, इस picture के through हम लोग clearly समझ सकते हैं कि domino effect क्या था और कैसे